जैसा कि आप देख रहे हैं, निरीक्षण अधिकारी अब परेड कमांडर के साथ परेड का निरीक्षण करने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। आज निरीक्षण हेतु तैयार है आसाम राइफल्स के भावी सैनिक। आज सैन्य संगठन का हिस्सा बनकर स्वयं को गर्वित महसूस कर रहे हैं तथा देश के एकता पूरी भारत की रक्षा हेतु तत्पर है। ये नवीन सैनिक अपनी अपनी यूनिट में जाकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें देश की तरफ बढ़ रहे हैं। इस समय बैंक पर प्रशिक्षित आसाम राइफल्स के जवान देश के लिए तैयार हैं। इनके हौसले बुलंद हैं, उन्हें दुश्मन की हर साजिश को नाकाम करने के लिए तैयार हैं। इनके पार पाना कठिन नहीं अपितु असंभव है। परेड कमांडर रिक्रूट जीटी ट्विंकल चकमा परेड का निरीक्षण करवाने के बाद परेड में शामिल होने जा रहे हैं। परेड में मिलने के बाद वे परेड को मार्च पास्ट का आदेश देंगे। Thank you.
क्षणों में राष्ट्रीय निशान टोली परेड पर आएगी। दर्शकों से अनुरोध है कि राष्ट्रीय निशान परेड में आने पर खड़े होकर निशान को उचित सम्मान दें। जो दर्शक यूनिफॉर्म पहने हुए हैं वे परेड के साथ सैल्यूट करें। राष्ट्रीय निशान टोली का नेतृत्व कर रहे हैं नायब सूबेदार गोविंद कुमार। Thank you.
भारत विविधताओं से भरा हुआ एक विशाल देश है। यहाँ पर विविध संप्रदायों, संस्कृति, भाषा और विचारों को मानने वाले लोग रहते हैं, जिसमें अनेक धर्म हैं। सभी को अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है। व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म को मानता हो, धार्मिक शिक्षाएं उसे एक लक्ष्य की ओर ले जाती हैं और अंत में मनुष्य सर्वशक्तिमान ईश्वर तक पहुंच पाता है। कोई भी धर्म नफरत का पाठ नहीं सिखाता। सभी धर्म प्रेम, स्नेह, दया और भाईचारे के ऊपर खड़े हैं। भारत में मुख्य रूप से चार धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म। सर्वधर्म संभव का सबसे अच्छा उदाहरण है सेना। सेना एक ऐसा संगठन है जिसमें भारत के विभिन्न भागों से विभिन्न धर्मों को मानने वाले जवान भर्ती होते हैं। इसलिए ड्रिल ग्राउंड में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्म के धर्मगुरु होते हैं। धर्मगुरु पवित्र गीता, कुरान, ग्रंथ साहिब और बाइबल लेकर विक्रम के सामने से गुजर रहे हैं। विक्रम दाएं हाथ से अपने अपने धर्म के अनुसार इन पवित्र ग्रंथों को छू रहे हैं। इन धार्मिक ग्रंथों को साक्षी मानकर आसाम रिफल के विक्रम अपने भावी एवं नवीन सैनिक जीवन की शपथ ग्रहण करने के लिए तैयार हो रहे हैं। राष्ट्र ध्वज और आसाम रिफल ध्वज विक्रम के कंधों को स्पर्श करते हुए गुजर रहे हैं। राष्ट्र ध्वज इन विक्रम को देश की रक्षा, आन बान और शान के सम्मान तथा आसाम रिफल ध्वज इन्हें संगठन की शान और सम्मान का भविष्य में एहसास करवाएगा। राष्ट्रीय ध्वज हमारी एकता, अखंडता और आज़ादी का प्रतीक है। ये हमारे महान राज्य की शान है, हम देशवासियों का मान है। इसमें केसरिया रंग साहस और त्याग का, सफेद रंग सत्य और शक्ति का और हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है। राष्ट्रीय झंडे का स्थान सबसे ऊंचा है, इसलिए यह फेर में सबसे आखिर में लाया जाता है जब बाकी कलर को सलामी देने के लिए उपस्थित हो। तो राज्य